जय हो। दो लॉकडाउन में तो महादेव बाबा दिखे और तीसरे चौथे से गायब हो गए। अब तो तैयारी हो गई। हमने तो राज्यों के हिस्से में छोड़ दिया था निर्णय लेने का। मैं क्या करता, चीन से भी आगे 1 लाख ज्यादा है। और ये होना था पहले ही। मोदी जी भक्त और नेता भक्त लोग सब कुछ तय कर लेते हैं कि 16 तारीख को सुन्न हो जाएगा कोरोना वायरस, जादू की छड़ी चलेगी। ये मजदूरों की आह किसी को नहीं छोड़ेगा जनाब। ये जो गरीबों की भूख होती है ना, ये जो मां के आंसू होते हैं ना, बच्चों की चीख, ये जो किसानों के दर्द होते हैं और युवाओं की करा, ये आंसू दूर दूर तक जाता है नीतीश बाबू। चारों तरफ लाठियां, ये जो भक्त है ना आपके, ये अभी भी जूता को ट्रोल करा रहे हैं। बकस दीजिए अब राजनीति करना हिंदू मुसलमान और सत्ता की, और बंद करिए राजनीति की दुकान। मजदूरों के सवाल पर जंग की शुरुआत होगी। अब जंग लड़ेंगे, जंग पहले भी देश भर के मजदूरों के साथ हम बैठे थे, कल भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे हम। यहां बड़े तादाद में पूरे बिहार और देश में मजदूर अकेला नहीं है। आपने मान लिया है कोरोना वायरस एक्ट लॉकडाउन के नाम पर मजदूरों की आवाज को लाठी बूट गोली के आतंक से, नेताओं के खौफ से दबा देना है। नेता लोगों ने पब्लिक को समझा दिया कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंस, ये सोशल डिस्टेंस कानून के नाम पर कब तक डराओगे। दिल्ली को देखो, लाखों करोड़ों देखो, गाजियाबाद में अब मजदूरों की क्रांति को नहीं रोक पाओगे। लाखों गोली तुम्हारी नहीं रोक पाएगी, किसी मजदूरों को मां से और बच्चों से मिलने के लिए नहीं रोक पाओगे। भूखे प्यासे जो मरने की तैयारी कर ले, उसकी आग बड़े बड़े क्रूरतम शासक को मिटा देता है नीतीश कुमार। ये चोर चोर मोसेरा भाई, लाठी चलाना बंद करिए। मैं तैयार हूं दिल्ली के मजदूरों को भेजने को, एक एक डेली लगातार यहां 25 25 बस बिहार जा रहे हैं। आप क्वारंटाइन के नाम पर अब तंग करना बंद करिए, जांच की प्रक्रिया बढ़ाइए। जो मजदूर जा रहे हैं उन थाने में पता करके उनकी जांच बढ़ाइए, जो पॉजिटिव है उसको बंद, उसकी इलाज करिए। क्वारंटाइन के नाम पर लूटना और तंग करना बंद करिए, ये दोनों लूट भी तंग भी। सिग्नल पर ट्रेन खड़े होकर के सारे मजदूर घर चले जा रहे हैं और आप तंग कर रहे हो। और एक तरफ महादेव का प्रवचन और एक तरफ आपका प्रवचन। इंतजार करिए, 57 साल भूख के बाद भी, बिना बिजली पानी के बाद भी, ठेकेदार के कोरा के बाद भी गाली ही क्यों, इस तरह की व्यवहार क्यों। मैं तो जानना चाहता हूं, ये नहीं चलेगा।
इसलिए सवाल है ये इमरजेंसी सोशल डिस्टेंस और कोरोना वायरस के नाम पर आम लोगों पर दमन और शोषण बंद करिए। कोरोना वायरस के नाम पर इस हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले मजदूरों पर जुर्म करना, आतंक करना बंद करिए। आप लोग आतंकवादी हो गए हैं, उसको भी टप गए। आप लोग सूदखोरों के दलाल हैं। इसीलिए आप लोगों से अफगम फरमाइश नहीं होगा। फिर कल लाखों मजदूर बैठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आवाज देंगे। लड़ाई आर पार की होगी जब तक मजदूर घर नहीं पहुंचेगा, मजदूर के हिस्से का पैसा उसके अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, मजदूर के खाने उसके घर नहीं पहुंचेंगे, तब तक चैन से हम नहीं बैठेंगे। चाहे जान रहे या जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।